है, कमेंट करके बताइएगा कि चूड़ी कैसा लगा आप लोगों को। दोस्तों वीडियो बन रही, कुछ कुछ देखते रहे। देखिए मैं जा रही हूँ, देखिए दोस्तों मैं अब जा रही हूँ झाड़ू लगाती हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं इधर दिखाती हूँ आप लोगों को। झाड़ू लगा ली हूँ, अब देखिए अब और क्या काम करती हूँ। दोस्तों अतः सोमवारी का व्रत भी है। देखिए दोस्तों आज मैं देखिए सब कपड़ा सब मेरा कैसे फैला हुआ, सरियाऊँगी तब उसको ना। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, कुछ कुछ दिखाती रहूँगी। देखिए जानते हैं दोस्तों इतना चूहा परेशान किया है, मत कहिए दोस्तों इतना परेशानी हम चूहे के चलते हैं ना। जो बाथरूम का ये है ना नाली, उसमें जाली पता नहीं कैसे टूट गया, इतना चूहा परेशान पूरे बाथरूम में एकदम परेशान करके रखा है, पूरा लेटरिंग कर देता है चूहे का। बरसात में जैसे भी चूहे बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि नदी नाला जो है नाला भर जाता है, सब बाहर आ जाते हैं, घर में घुसते हैं, पानी में ओवर फ्लो हो जाता है नाला तो सब घर में घुसते हैं दोस्तों। इसी कारण मेरे को इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी मैं क्या कहूँ, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, चूहे को क्या करो उपाय। अब सोचते हैं ऐसा जगह है नहीं तो वो आता है, जो डायरी ऐसा आता है उसको रख दी, उसमें चूहे चिपक जाते हैं, लेकिन बाथरूम में मैं कैसे रखूं, मैं बहुत सोच में हूँ। आप लोग भी आप लोग से आप लोग के भी चूहे हैं क्या, इतने परेशान करते हैं बाप रे पूरा। मैंने कोई मैंने बाथरूम एकदम इतना तुरंत धो के आती हूँ साफ करके, वही हालत हो जाता है, पता नहीं कैसे क्या करूँ। अब देखती हूँ कुछ उपाय तो लगाऊंगी दोस्तों, उसको उसके नाली जो है उसमें लगाना पड़ेगा, जाली तोड़ दिया है। चूहा सब है आप देखिएगा, चूहा सब दोस्तों तो देखिएगा ना, खरगोश के जैसा चूहा है, खरगोश का जो बड़ा जो बच्चा नहीं, खरगोश की माँ जो होती है जो बड़ा बड़ा खरगोश, तो उस उतना मोटा मोटा चूहा है, पता नहीं कहाँ से सब खा के।
इतने मोटे हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, कुछ ना कुछ दिखाती रहूँगी आगे के दिनचर्या। देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ अंजू के चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं गुड लेट गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ, अभी तक गुड मॉर्निंग मैंने नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज तो सोमवार था, सोमवारी का व्रत था मेरा, इसलिए आज मैं काम में सुबह से फिर गई कि जाके पहले मंदिर, आज मंदिर गई थी मैं, पूजा करके आई, अच्छे से पूजा हो गया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग यूट्यूब पूरे फैमिली के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की कि सब जितने जो यूट्यूब के फैमिली हैं सब आगे बढ़े सब, और हम लोग जितना आगे तक जाए हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसलिए वीडियो में बने रहिए, कुछ कुछ दिखाते रहेंगे। कपड़ा चेंज करके देखिए, लेकिन अब कपड़ा चेंज कर ली हूँ, अब जा रही थोड़ा सा चाय बनाऊँगी दूध देखिए उबालने के लिए। आप लोग बैक कैमरा से दिखाते हैं, देखिए दूध भी उबाल रही हूँ, आप लोग के साथ साथ बात भी कर रही हूँ। देखिए यहाँ दूध रखी हूँ, एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, देखिए इसमें थोड़ा सा मखाना भूनूंगी, थोड़ा सा खाऊंगी चाय के साथ। ऐसे तो हम कुछ खाने का मन नहीं, डर लगता कहीं गैस वैस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बन रही है, कुछ कुछ देखते रहिए। मखाना डाल रही हूँ, देखिए मखाना मैं भूंज रही हूँ, अब देखती हूँ क्या उससे। सब तो मेरा सब शुद्ध है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब क्या करना है इसको, थोड़ा सा घी डालती हूँ उसमें, छुआता कभी भी नहीं। देखिए दोस्तों प्रसाद लाई हूँ, आप लोग भी प्रसाद खाइए। देखिए प्रसाद चढ़ाई हूँ और आप लोग भी खाइए दोस्तों। देखिए मैं तो आई वहाँ से दूध तो लेके आई हूँ, गला भी फंस रहा है, पता नहीं ठंडा कल पी लिए कल कहते, तो इसी कारण से गला बहुत, गला दर्द भी कर रहा है, फीस भी रहा है, पर क्या करें। मुंह तो इतना हम कहते हैं ना कि लेडीज़ लोग भी एक नंबर की छुद्दर होती है, वही हाल हम लोग का है दोस्तों। हम लोग ना अपने कष्ट रहेगा लेकिन जो चीज़ बना रहेगा वो चीज़ जरूर खाएंगे। कोल्ड कॉफ़ी पी लिए, एकदम गला दर्द कर रहा है, क्या करें। अब देखिए वीडियो में बन रही है, कुछ भी दिखाती रहूँ। मैं दूध बना लूँगी तो आप लोगों को ले मखाना भून लेती हूँ, चाय पीऊँगी, थोड़ा दो गिलास पानी पीऊँगी। ऐसे ज़्यादा मैं व्रत में नहीं खाती हूँ, मन माथा सर चाय के बिना सर पकड़ लेता है, एकदम पूरा लगता है कि निकेथी होगा, क्या करना है दोस्तों। वीडियो में बन रही है और आप लोग के लिए भी देखिए बना रही हूँ, उसको चाय बनाऊँगी। देखिए दोस्तों दूध तो मिला नहीं मुझे, कहाँ से दूध लेते हैं यहाँ। तो आजकल ऐसा ना, गाय का दूध जो निकाल दिया है पॉकेट वाला, उससे आदमी वही, बहुत लोग तो वही चढ़ा देता है, गाय वाला दूध आ गया है। अब कहाँ गाय को खोजने जाएंगे, मैं सोचे कि कोई तो अब लेता नहीं, सब पॉकेट वाला दूध लेते हैं सारा लोग, पॉकेट वही ले जा कर चढ़ा देते हैं लोग। अरे यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ गाय खोजे, कहीं इधर एरिया में है ही नहीं। मैं चलो जो है भगवान, जो मेरे पास है उसी में हम चढ़ा देती हूँ भगवान, जब देखेंगे। हम हर साल चढ़ाते थे ये तो बात है, दूध आ जाता था वहाँ से, लेकिन सब समय है अभी इतनी, हम लोग उधर उधर है ना, इसी से दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत है, फिर ठीक हो जाएगा। फिर प्रभु खाली आप कृपा मेरे पर बसाइए प्रभु, पूरा कृपा खाली बरसाइएगा आप, कि शरीर मेरा स्वस्थ रहे। बहुत अस्वस्थ रहता है हमेशा, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, लेकिन तब भी क्या करो दोस्तों। वीडियो में बने रही है, कुछ कुछ देखिएगा, चाय लेके आती हूँ, वीडियो में बने रही है, कुछ कुछ आप लोगों के लिए भी चाय बना रही हूँ और मखाना तल रही, आप लोगों को भी खिलाऊंगी। मेरा चाय बन गया, देखिए मैं ना गुड़ के चाय बनाऊंगी। देखिए
गुड़ में पियेंगे, चीनी में नहीं पियेंगे। अच्छा लगता है गुड़ का चाय, सुंधा सुंधा लगता है। आप लोग बना कर देखिएगा ना, यही कि जब गुड इवनिंग दोस्तों, देखिए मैं अब शाम में क्या बनाने जा रही हूँ। गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, देखिए सब्ज़ी बनाऊंगी, उसमें 4-5 आलू डालूंगी, शाम का खाना है ये। दस्ती आदमी 3 टाइम खा ले रहा दोस्तों, क्या करेगा आदमी, खाना ही है। रात में नहीं खाता है तो सुबह में तो हार्ड काम रहता है, एकदम मॉर्निंग का हार्ड इतना काम रहता है कि आदमी नहीं खाएगा तो फिर लेट हो जाएगा पूजा। सावन का महीना, आदमी बिना नहाए भी नहीं खा सकता आजकल, इसलिए भूख नहीं लग रहा, लेकिन बना रही हूँ क्या करूँ। चलेगी दोबारा, चले गई यहाँ मार्केट गई, दूध नहीं था, सुबह नहीं जा पाई दूध लाने के लिए, आलस कर दी मैं। अभी शाम में गई हूँ दूध लेके आई हूँ। अब देखिए दूध उबाल के रखी हूँ तो लेट हो गया है, बच्चे बोल रहे हैं कि लेट हो गया, अब 7:30 से ऊपर हो रहा था कि नहीं हम खाएंगे। हमने ठीक है छोड़ो, नहीं खाएगी तो छोड़ो, यही तो है दोस्तों। देखिए मैं तेल फ्राई करने के लिए गोभी फ्राई करूँगी, गोभी फ्राई करने के लिए मैंने तेल डाला है। देखिए दोस्तों, जो मसाला मैंने लहसुन रखा था वो सब ना भाग गया, फिर मेरे को दोबारा मेहनत पड़ गई, मैं फिर सब मसाला हटाई, फिर दोबारा दोस्तों जो मसाला मैं बनाई थी है ना, वो सारा लहसुन भाग गया था समझे, बाहर छूट गया भाग गया, फिर मसाला डाल दी प्याज में। कितना अच्छा रेडिश आया है, आपको देखने में लगेगा। देखिए या कि देखिए मैं कुछ नहीं डालू हूँ, देखिए कितना सुंदर आया है, देखिए कितना सुंदर आया। सूखा ही रखती हूँ मैं बोला सब्जी में बहुत कम ग्रेवी रखती हूँ, बहुत लदबद रह गया कुछ रहेगा मैं नहीं रखती हूँ। देखिए अब ढक दिया थोड़ा भाप से, देखिए आप लोग नज़दीक से देखेंगे कितना अच्छा सब्ज़ी बना है। आइए देखते हैं, देखिए
देखिए कितना अच्छा बना, देखिए सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल दिया, हो गया। नहीं होता होगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बिल ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा शॉर्ट वीडियो भी दोस्तों आ रहा, मैं आपको बार बार याद दिला रही है, इसके लिए हमको सॉरी बोलते हैं आपको दोस्तों, बार बार याद दिला, शॉर्ट वीडियो